पुलिस की टीम द्वारा एक उग्र किया गया जिसमें 5 शातिर लुटेरों की अरेस्टिंग हुई है। इन लोगों के द्वारा 3 थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज थे, मानव नगर, आलमबाग और आशियाना में, जहां पे इन्होंने मोबाइल, कहीं चेन, कहीं पर्स स्नैचिंग की थी। तो इनके पास से 2 मोबाइल, घटना में जो बाइक्स ये प्रयोग करते थे उनकी भी बरामदगी हुई है, साथ ही कुछ कैश भी बरामद हुआ है। देखिए, ये बेसिकली बाइक पे बैठ के 3 या 2 आपस में डिसाइड कर लेते थे, किसी को देखते हुए अगर सुनसान रास्ते में जिसको देखा उसके हाथ से मोबाइल या पर्स अगर कहीं महिला जा रही है तो छीन लेते थे। इनका बैकग्राउंड ये है, इसमें से 2 जो है वो 10वीं फेल है, 1 9वीं फेल है, 1 ने 10 तक पढ़ाई की और 1 इंटर पास है। कोई बहुत ज्यादा इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। उम्र इनकी 21-22 साल के बीच में और 3 घटनाएं इन पर अनावरण हुआ। नहीं, पुराने मुकदमे तो नहीं है, जो 3 थाने मैं बता रही हूँ, मानव नगर, आलमबाग और आशियाना, इनके भी मुकदमे कर रहे। इसके अलावा इनके द्वारा ये बताया गया है कि आशियाना में भी इन्होंने घटना पहले कारित की थी जिसका शायद वो मुकदमा दर्ज नहीं कराने आया पीड़ित, और 1 मोबाइल इन्होंने PGI से भी छीना था। तो इस प्रकार से घटनाएं जो कुल 5 कारित की हैं और भी पूछताछ की जा रही, हो सकता है और घटनाएं भी इन्होंने जिले क्या कहते थे ये घटनाएं। देखिए, काम ये कोई नहीं करते और चूंकि 20-21 साल की इनकी उम्र है, पढ़ाई नहीं करते, तो सिर्फ एक क्रिमिनल इंटेंशन से ये घटना को अंजाम दे रहे थे और मोबाइल छीन कर उसका प्रयोग ही कर रहे थे। चेन स्नैचिंग जो करी उसको बेचकर उन्होंने उसके पैसे का बंटवारा आपस में कर लिया। आशियाना से जो कैश पर्स गया था उसमें 5,000 रुपए थे, 2 मोबाइल थे, तो मोबाइल तो बरामद हो गया, पैसा इन्होंने आपस में बांट। सोना जो हम लूटते थे, खपत कहाँ करते थे लोग, कहाँ पर ले जाते थे? सोना इन्होंने एज सच नहीं लूटा है, 1 चेन स्नैचिंग करी है, तो उस समय में इनसे बातचीत की जा रही है कि कहाँ पर बेचा है, उसकी जानकारी की जा रही है। गैंग में केवल 5 लोग हैं नहीं, और लोगों के शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये 5 हैं जो आपस में दोस्त हैं और ये इस तरह से घटना है। जो बंटवारा करके पैसा लेते थे उससे क्या करते थे? ऑब्वियसली उस पैसे को लेकर ये खर्च ही करते होंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करते होंगे। मैम कुछ साथ खर्ची या गर्लफ्रेंड वगैरह कोई फैक्टर नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आपस में तो इसमें से एक सगरा कौन है, इसमें से सगरा कौन, इसमें मेन कौन है, कोई सगरा है, कोई मेन एज सच कोई सगरा नहीं, आपस में कॉमन फ्रेंड है सब, आपस में निर्णय कर लिया और उसके बाद नीचे नीचे देखो मैम मिले कैसे आपस में, क्या कुछ बताए थे पुराने लोग साथ कैसे गए थे, ऐसे हो गया था क्या? ये आपस में 2-3 साल से लेकर आपस में देखिए, जो राजा है वो 12th में शायद पढ़ रहा है, वो उसकी उम्र 18 साल, और ये जरा सर्टिफिकेट लेके इस चीज को पहले कंफर्म किया जाए कि क्या है।